अगला आप टॉपिक है हमारा ब्रिक सीवर। ब्रिक सीवर में अब ब्रिक के जो ईंट के बने सीवर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कह रहा है दिस मटेरियल इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज साइज कंबाइंड सीवर। कह रहा है जो ईंट के सीवर होते हैं वो बनाए जाते हैं लार्ज साइज के, मतलब बड़े बड़े साइज के कंबाइंड सीवर होते हैं, या फिर पर्टिकुलरली व फॉर स्टॉर्म वाटर ड्रेन। और किसके लिए अधिकतर बनाए जाते हैं? स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए। तो यहाँ पे बात याद करने वाली है अधिकतर किसके लिए बनाए जाते हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए ब्रिक सीवर बनाए जाते हैं। द पाइप्स आर प्लास्टर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू अवॉइड एंट्री ऑफ ट्रीज रूट्स एंड ग्राउंड वाटर थ्रू ब्रिक जॉइंट्स। और पाइप कैसे किया जाता है, उसको अंदर से प्लास्टर कर देते हैं, सॉरी आउटसाइड बाहर से प्लास्टर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पेड़ वेड़ की जो अगल अगल बगल कोई जड़ वड़ है पेड़ की तो उसमें एंट्री ना करे, और ग्राउंड वाटर भी ब्रिक जॉइंट से अंदर ना जाए। दीज आर लाइन फ्रॉम इनसाइड विथ स्टोन वेयर आर सेरेमिक ब्लॉक। और इनर इन अंदर से इनसाइड से क्या करते हैं, सेरेमिक ब्लॉक भी बना देते हैं टू मेक देम स्मूथ एंड हाइड्रोक्लिकली एफिशिएंट। इससे क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाते हैं, हाइड्रोक्लिकली एफिशिएंट हो जाते हैं। लाइनिंग आल्सो मेक द पाइप रेजिस्टेंस टू कोरिजन। और जो लाइनिंग होती है वो क्या करती है, जंग से पाइप को बचाती है। अगले है पाइप कास्ट आयरन सीवर। कास्ट आयरन सीवर क्या होता है ब्रिक सीवर के बाद में, कास्ट आयरन सीवर ये क्या होते हैं, कह रहा है दीज पाइप्स आर स्ट्रॉन्गर एंड कैपेबल टू विदस्टैंड ग्रेटर टेंसाइल। ये कैसे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और कैपेबल होते हैं ग्रेटर टेंसाइल के लिए, कंप्रेसिव एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। हाउएवर दीज आर कॉस्टली, ये महंगे तो ज़रूर पड़ते हैं। कास्ट आयरन पाइप्स आर यूज्ड फॉर आउटफॉल सीवर्स, राइजिंग मेन्स ऑफ पंपिंग स्टेशंस एंड इन्वर्टेड सिफॉन्स। वेयर पाइप्स आर रनिंग अंडर प्रेशर, जब जहाँ पर मतलब ज़्यादा प्रेशर होता है पानी का, वेस्ट वाटर का ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये इन्वर्टर सिफॉन का काम करते हैं। दीज आर आल्सो सुइटेबल फॉर सीवर्स अंडर हैवी ट्रैफिक लोड। और जो कास्ट आयरन सीवर होते हैं वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा सुइटेबल होते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा होता है, सच एज सीवर बिलो रनवे, सॉरी बिलो रेलवेज, रेलवे के नीचे एंड हाईवे के नीचे बनाए जाते हैं। दे आर यूज फॉर कैरिड ओवर पायर्स इन केस ऑफ लो लेइंग एरिया। दे फॉर्म 100% लीक प्रूफ सीवर लाइन टू अवॉइड ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। और सबसे ज़्यादा ये क्या करते हैं, लीक प्रूफ होते हैं, मतलब ये लीक नहीं करते हैं जल्दी। दे आर लेस रेजिस्टेंस टू कोरिजन, लेकिन ये जंग के प्रति ज़्यादा वो नहीं होते हैं, जंग को बहुत ज़्यादा रोक नहीं पाते हैं। हैंस जनरली लाइन फ्रॉम इनसाइड विच सीमेंट कॉन्क्रीट कोल टार पेंट एपॉक्सी ETC। तब क्या होता है, इसको लाइन अप किया जाता है किससे, सीमेंट कॉन्क्रीट से, कोल टार पेंट से, एपॉक्सी से। दीज आर ज्वाइंट टुगेदर बाई बेल एंड स्पिगॉट ज्वाइंट, इसे लोग ज्वाइन किए जाते हैं। फिर क्या ये IS कोड नंबर दिया हुआ है, प्रोवाइड्स द स्पेसिफिकेशन फॉर स्पन एंड वर्टिकली कास्ट पाइप्स रिस्पेक्टिवली। अब जो कोड नंबर दिए गए हैं इसमें क्या है, बताया गया है कि कास्ट आयरन पाइप को कैसे कैसे हमको क्या क्या देने हैं, रूल्स रेगुलेशन है उसमें। अब उसके बाद स्टील पाइप आता है। अब स्टील पाइप में क्या कह रहा है, स्टील पाइप में कह रहा है दीज आर यूज अंडर द सिचुएशन सच एज प्रेशर मेन सीवर्स अंडर वाटर क्रॉसिंग ब्रिज क्रॉसिंग। कह रहा है जो ये होते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर मेन सीवर पे जहाँ होता है वहाँ लगाते हैं, अंडर वाटर क्रॉसिंग जहाँ पानी क्रॉस करता है वहाँ लगाते हैं, ब्रिज क्रॉसिंग में लगाते हैं, नेसेसरी कनेक्शंस फॉर पाइपिंग पंप सॉरी नेसेसरी कनेक्शन फॉर पंपिंग स्टेशन के पास लगाते हैं, लेइंग पाइप्स ओवर सेल्फ सपोर्टिंग स्पेंस के होते हैं, रेलवे क्रॉसिंग पे यूज़ करे जाते हैं। दे कैन विदस्टैंड इंटरनल प्रेशर इम्पैक्ट लोड एंड वाइब्रेशन सच एज बेटर देन CI पाइप, कास्ट आयरन पाइप से ज़्यादा अच्छे होते हैं। दे आर मोर डक्टाइल एंड कैन विदस्टैंड वाटर हैमर प्रेशर बेटर। दीज पाइप्स कनॉट विदस्टैंड हाई एक्सटर्नल लोड एंड दिस पाइप में कोलैप्स व्हेन नेगेटिव प्रेशर इज डेवलप्ड इन पाइप। जब प्रेशर नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, तब भी ये टिके रहते हैं। दे आर सस्पेक्टेबल टू कोरिजन, ये कोरिजन के प्रति
मतलब जंग के प्रति अच्छे होते हैं एंड आर नॉट जनरली यूज फॉर पार्सली फ्लोइंग सीवर। फ्लोइंग सीवर में अधिकतर यूज़ नहीं किए जाते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कोरिजन। ये जो जंग होता है उसके प्रति क्या होते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली बढ़िया प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये पाइप के जो प्रकार हैं सारे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सारे पूछे जाएंगे, कौन सा कहाँ यूज़ करेंगे तो आप क्लियरली आपको पता हो। इसके लिए सारा अच्छे से देख रहे हैं एक बार से कि सारे पाइप के बारे में क्लियरली मेंशन हो, आपको हर चीज़ें क्लियर पता हो। कह रहा है डक्टाइल आयरन पाइप क्या होता है, ये भी देख लो। प्लास्टिक सीवर, पीवीसी पाइप, ये सारा अच्छे से समझने के लिए बनाया है। बढ़िया से देख लो कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक बार कंप्लीट हो जाए, थ्योरी तो दोबारा थ्योरी कहीं से इधर उधर से मतलब खोजनी ना पड़े और आप क्वेश्चन आंसर बढ़िया से कर ले जाओ। तो देख लेते हैं हम डक्टाइल आयरन पाइप क्या होता है। डक्टाइल इसमें कह रहा है डक्टाइल आयरन पाइप्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कन्वेइंग द सीवर। सीवर के लिए यूज किए जाते हैं। दे डेमोन्स्ट्रेट हायर कैपेसिटी टू विदस्टैंड वाटर हैमर। वाटर हैमर के साथ ये अच्छे से हायर कैपेसिटी में रहते हैं। दिस द स्पेसिफिकेशन फॉर DI पाइप्स इज प्रोवाइडेड इन। और जो इनके लिए डक्टाइल आयरन पाइप के लिए जो मतलब रूल रेगुलेशन है कैसे कैसे क्या करना है वो IS कोड इसमें दिए हुए हैं, मतलब 12288 से 1987 में दिए गए हैं। द प्रीडोमिनियंट वॉल मटेरियल इज डक्टाइल आयरन। जो इसका वॉल मटेरियल होते हैं डक्टाइल आयरन का होता है। ये इज फोरनराइज्ड ग्रेफाइट कास्ट आयरन। इंटरनली दीज पाइप्स आर कोटेड विद सीमेंट मोर्टार से कोटेड होते हैं। लाइनिंग आर एनी अदर पॉलीथिलाइन आर पॉली रैप आर प्लास्टिक बैगिंग। फिर कह रहा है स्लीव लाइनिंग टू इनहेबिट कोरिजन फ्रॉम द वेस्ट वाटर बींग कन्वेड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कोटिंग आर यूज टू इनहैबिट कोरिजन फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो इसमें इतना कुछ कठिन इंग्लिश है नहीं जो समझाने वाली हो, तो इसलिए इसको स्किप भी कर देंगे जहाँ जहाँ पे समझ में आसानी से आ जाता है। डक्टाइल आयरन हैज़ प्रूवन टू बी ए बेटर पाइप मटेरियल देन कास्ट आयरन बट दे आर कॉस्टली। कह रहा है डक्टाइल तो वैसे अच्छा होता है लेकिन क्या होता है ये कास्ट आयरन के मुकाबले में क्या होता है, महंगा पड़ता है। डक्टाइल आयरन इज स्टिल बिलीव टू बी स्ट्रॉन्गर, अभी भी माना जाता है ज़्यादा मजबूत है एंड मोर फ्रैक्चर रेजिस्टेंस मटेरियल, और फ्रैक्चर रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। हाउ एवर लाइक मोस्ट फेरस मटेरियल्स इट इज़ सस्पेक्टेबल टू कॉरिजन। ए टिपिकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ थिकर वॉल पाइप कुड बी अप टू 75 ईयर्स। हाउ एवर विद द करेंट थिनर वॉल्ड डक्टाइल पाइप द लाइफ कुड बी अबाउट 20 ईयर्स इन हाईली कोरिजिव सॉइल विदाउट ए कोरिजन कंट्रोल प्रोग्राम लाइक कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो जहाँ जहाँ पे इंग्लिश समझ में आ जा रहा है आसानी से उसको मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब हिंदी में नहीं कन्वर्ट करेंगे, जो मतलब नहीं समझ में आ रहा है उसी लाइन को लेकर चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। एग्ज़ाम के बारे में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इसलिए जो जो जहाँ जहाँ पर दिक्कत है वहाँ का इंग्लिश में हिंदी में पढ़ लेंगे अच्छे समझ लेंगे, और जो नॉर्मल इंग्लिश है उसको स्किप करेंगे। फिर प्लास्टिक सीवर पाइप PVC पाइप क्या होता है। प्लास्टिक इज रिसेंट मटेरियल यूज फॉर सीवर पाइप, अभी मतलब प्लास्टिक शुरुआत है यूज़ करने की। दीज आर यूज फॉर इंटरनल ड्रेनेज, इंटरनल ड्रेनेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। वॉक्स इन हाउस अधिकतर घरों में यूज़ किए जाते हैं। दीज आर अवेलेबल इन साइज 75 to 315 mm एक्सटर्नल डायमीटर। तो इसका साइज वाइज थोड़ा नोट कर लेना, एक पन्ना लेके चलना जितने लेक्चर हैं उस पर, जो जो पन्ने में मतलब जो भी इसमें लेक्चर का सार है या फिर जो बाद में निकलता है उसको अच्छे से समझ में आए उसको लिख कर चलना, ये मतलब एक पन्ने का नोट जरूर बनाना। फिर कह रहा है दे ऑफर स्मूथ इंटरनल सरफेस देते हैं। द एडिशनल एडवांटेजेस दे ऑफर आर रेजिस्टेंस टू कोरिजन, लाइट वेट ऑफ पाइप होता है, इकोनॉमिकल लेइंग होता है, जॉइंटिंग एंड मेंटेनेंस में आसान पड़ता है, द पाइप इज टफ एंड रिज्ड होता है एंड ईज इन फैब्रिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज पाइप्स, और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होता है। अगला पाइप कौन सा है, पाइप मटेरियल हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन HDPE पाइप। अब ये क्या है, कह रहा है यूज़ ऑफ दीज पाइप्स फॉर सीवर इज रिसेंट डेवलपमेंट, अभी रिसेंट में यूज़ किए जाने लगे हैं। दे आर नॉट ब्रिटल लाइक AC पाइप एंड अदर पाइप्स एंड हैंस हार्ड फॉल ड्यूरिंग लोडिंग।
अनलोडिंग एंड हैंडलिंग डू नॉट काज एनी डैमेज टू द पाइप्स। दे कैन बी ज्वाइंट बाय वेल्डिंग आर कैन बी ज्वाइंट विद डी अटैचेबल ज्वाइंट अप टू 630 मिलीमीटर डायमीटर। अब इसमें कोड जो आईएस कोड की एक बुक आती है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। दीज आर कॉमनली यूज फॉर कन्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। दे ऑफर ऑल द एडवांटेज ऑफ ऑर्डर बाई पी वी सी पाइप। इसको सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं? इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो ये इसकी जानने वाली बात ये है मेन इसमें कि इसको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में यूज़ में किया जाता है। कह रहा है पी वी सी पाइप्स ऑफर वेरी लिटिल फ्लैक्सीबिलिटी एंड नॉर्मली कंसिडर्ड रिजिड वेरीज एच डी पी ई पाइप आर फ्लैक्सीबल हैंड बेस्ट सूटेड फॉर लेइंग इन हिली एंड अन ईवन टेरन। ये मतलब जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फिर कह रहा है फ्लैक्सीबिलिटी अलाउज सिंपल हैंडलिंग एंड इंस्टॉलिंग ऑफ हैंडलिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एच डी पी ई पाइप्स। बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी दीज पाइप्स आर वेरी लाइट इन वेट। इनकी डेंसिटी बहुत हल्की होती है, तो लाइट वेट बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू लाइट इन वेट दे आर ईजी फॉर हैंडलिंग दीज रिड्यूज ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी कम कर देते हैं। एच डी पी ई पाइप्स आर नॉन कोरोसिव एंड ऑफर वेरी स्मूथ इन साइड सर्फेस ड्यू टू विच प्रेशर लॉसेज आर मिनिमल एंड ऑल्सो दिस मटेरियल रेजिस्ट स्केल फॉर्मेशन। फिर क्या है ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक पाइप क्या होते हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या है। कह रहा है दिस मटेरियल इज वाइडली यूज वेयर कोरिजन रेजिस्टेंट पाइप आर रिक्वायर्ड। ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक GRP कैन बी यूज एज ए लाइनिंग मटेरियल फॉर कन्वेंशनल पाइप टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल कोरिजन। इट इज़ मेड फ्रॉम द कंपोजिट मैट्रिक्स ऑफ ग्लास फाइबर पॉलिएस्टर रेजिन एंड फिलर्स। दीज पाइप्स हैव बेटर स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ लो डेंसिटी एंड हाई कोरिजन रेजिस्टेंस। जहाँ जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी बताने की वहाँ वहाँ बताएंगे, जहाँ पे इंग्लिश आसान है वहाँ पे स्किप करते चलेंगे। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड अप टू 2.4 मीटर डायमीटर एंड अप टू 18 मीटर लेंथ। तो ये जो नोट करने वाली चीज़ें हैं कि ये कितने में बनाए जाते हैं डायमीटर में 2.4 में और लेंथ कितनी होती है 18 मीटर होती है। तो ये सब क्या है एक पन्ना, हर लेक्चर का एक पन्ना ज़रूर बनाना, उस पर A4 साइज का पन्ना बनाते रहना और उस पर सारे लेक्चर का जो निचोड़ है लास्ट में उसको लिखते रहना। तो आपके मान लो तो अगर 20 लेक्चर होंगे तो आपको 20 पन्ने का एक बढ़िया सा नोट्स तो बन जाएगा कम से कम। और फिर अपना टेस्ट सीरीज करते रहना, वो तो कराएंगे ही। फिर कह रहा है ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक पाइप्स रिप्रेजेंट द आइडियल सोल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ वाटर केमिकल्स इफ्लुएंट एंड सीवेज बिकॉज दे कंबाइन द एडवांटेज ऑफ कोरिजन रेजिस्टेंस विद ए मैकेनिकल स्ट्रेंथ विच कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टील पाइप्स। फिर कह रहा है टाइपिकली प्रॉपर्टीज दैट रिजल्ट इन एडवांटेज इन GRP पाइप एप्लीकेशन कैन बी समराइज एज फॉलोज। कह रहा है लाइट वेट और पाइप्स दैट अलाउज फॉर द यूज ऑफ लाइट लेइंग एंड ट्रांसपोर्ट मीन्स। फिर कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ नेस्टिंग ऑफ डिफरेंट डायमीटर ऑफ पाइप दस अलाउंग एडिशनल सेविंग इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ पाइप इज लार्जर देन अदर पाइप मटेरियल। इनकी जो लेंथ होती है ज़्यादा होती है दूसरे पाइप मटेरियल की अपेक्षा। ईजी इंस्टॉलेशन होते हैं प्रोसीजर ड्यू टू द काइंड ऑफ मैकेनिकल वेल एंड स्पिगॉट जॉइंट। फिर क्या कह रहा है कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल हैंस नो प्रोटेक्शन सच एज कोटिंग पेंटिंग आर कैथेडिक आर दे नेसेसरी। स्मूथनेस ऑफ द इंटरनल वॉल इज दैट मिनिमाइज द हेड लॉस एंड अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट्स। हाई मैकेनिकल रेजिस्टेंस ड्यू टू द ग्लास रेनफोर्समेंट एब्सोल्यूट इम्परमेबिलिटी ऑफ पाइप्स एंड जॉइंट्स बोथ फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड वाइस वर्सा। वेरी लॉन्ग लाइफ ऑफ द मटेरियल बहुत लंबे तक चलते हैं। तो सबसे अच्छे पाइप अभी देखने को मिला है ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक पाइप। अब आगे चलते हैं। कह रहा है लीड सीवर। लीड सीवर कौन से होते हैं? दे आर स्मूथ सॉफ्ट एंड कैन टेक ऑड शेप। दिस पाइप हैज़ एन एबिलिटी टू रेजिस्ट सल्फाइड कोरिजन। हाउएवर दिस पाइप्स आर वेरी कॉस्टली। दीज आर यूज इन हाउस कनेक्शन। हाउस कनेक्शन में यूज़ किए जाते हैं अधिकतर, लेकिन बहुत कॉस्टली होते हैं। अब कह रहा है शेप ऑफ सीवर क्या होता है?
सेप कैसा सीवर का होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेप ऑफ सीवर, ये तो जरूर बहुत अच्छे से देख लेना। सेप ऑफ सीवर देख लेते हैं। कह रहा है सीवर आर जनरली सर्कुलर पाइप्स लेट बिलो ग्राउंड लेवल स्लोपिंग कंटिन्यूसली टुवार्ड्स द आउटफॉल। दीज आर डिजाइन टू फ्लो अंडर ग्रेविटी। सेप्स अदर देन सर्कुलर आर ऑल्सो यूज अदर सेप्स यूज फॉर सीवर आर। तो भैया देख लो सीवर कौन कौन से होते हैं, किस किस सेप में है। पहला कह रहा है स्टैंडर्ड एक्सेप्ट सीवर, दूसरा न्यू एक्सेप्ट सीवर, तीसरा हॉर्सू सेप्ड सीवर, चौथा पैराबोलिक सेप्ड सीवर, पांचवा सेमी एलिप्टिकल सेप सेक्शन, फिर कह रहा है एफ रेक्टेंगुलर सेप सेक्शन, जी यू सेप्ड सेक्शन, एच सेमी सर्कुलर सेप्ड सीवर, आई वास्केट हैंडल सेप्ड सीवर। अभी सीवर का पिक्चर भी आगे देख लेना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जो सीवर का टाइप है आप जो भी बेस्ट वाटर में पढ़ेंगे और नहीं कर पाएंगे तो फिर ये आपकी मिस्टेक रहेगी, क्योंकि भले ही हम अच्छे से, हो सकता है कभी कभी अच्छे समझा भी ना पाए, हो सकता है बहुत अच्छे से कभी समझा दें तो, लेकिन आपके पास पीडीएफ तो रहेगी ना, लेक्चर तो रहेगा ना, आप देख कर अच्छे से कर तो सकते हो। अच्छे से करो, जितना हम अच्छे से कर पा रहे हैं उतना हम कर रहे हैं, आप लोग जितना कर पाओ करो। और लिक्विड वेस्ट के सारे लेक्चर ख़त्म ही होने वाले हैं, बस को सारा जितने भी लेक्चर होंगे इकट्ठा करके लिक्विड वेस्ट के सारे लेक्चर बना देंगे। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड एक्सेप्ट सीवर आल्सो कॉल्ड एन कॉल्ड एज अवॉइड सेप्ड सीवर एंड न्यू और मॉडिफाइड एक्सेप्ट सीवर आर यूज इन कंबाइंड सीवर्स। दीज सीवर्स कैन जनरेट सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी ड्यूरिंग ड्राई वेदर फ्लो। अब ड्राई वेदर फ्लो में क्या हुआ था, सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। हॉर्स शू सेप्ड सीवर एंड सेमी सर्कुलर सेक्शन आर यूज फॉर लार्ज सीवर्स विद हैवी डिस्चार्ज सच एज ट्रंक एंड आउटफॉल सीवर की तरह। रेक्टोंगुलर आर ट्रेपेजोइडल सेक्शन इज यूज फॉर कन्वेइंग स्टॉर्म वाटर। यू सेप्ड सेक्शन यूज फॉर लार्जर सीवर एंड स्पेशली इन ओपन कट्स। अदर सेक्शंस ऑफ द सीवर्स हैव बिकम ऑब्सोल्यूट ड्यू टू डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑन साइट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सेप्स रेडली इन मार्केट। अब आगे देख लेते हैं, ये देखो सारे सीवर के पिक्चर भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एक्सेप्ट सीवर कैसा होता है, न्यू मॉडिफाइड एक्सेप्ट सीवर कैसा है, और हॉर्स शू सीवर सेक्शन कैसा होगा, पैराबोलिक सेक्शन देख लो, सेमी इलेप्टिकल सेक्शन और इनवर्ट रेक्टोंगुलर सीवर देख लो। अच्छे से देख लो जिससे कि चीज़ें दिमाग में क्लियर रहें। और ऐसा पिक्चर देकर ही पूछ लिया कि ये कौन सा सीवर का टाइप है तो आप बता ले जाओ। और ये हमारा है यू शेप सेक्शन, सेमी सर्कुलर सेक्शन, बास्केट हैंडल सेक्शन, ये होगा सर डिफरेंट सेप यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर अदर देन सर्कुलर, सर्कुलर को छोड़कर अदर देन ये है। तो क्या करना है हमें, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, फिर देख लेते हैं क्या है। देखो ये था हमारा मॉड्यूल 3 सीवर मटेरियल, ठीक, ये सीवर किस मटेरियल का बना होता है उसके बारे में था। तो देख लेते हैं एक बार रिविजन मोड में। पहली बात है इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर्ड फॉर सेलेक्टिंग मटेरियल फॉर सीवर। तो पहला क्या है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन जंग के प्रतिरोधी होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन मतलब घर्षण के प्रतिरोधी होना चाहिए, तीसरी बात है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, चौथी बात है वेट ऑफ द मटेरियल क्या होना चाहिए, इम्परविशियसनेस होना चाहिए, इकोनॉमी एंड कॉस्ट सही होना चाहिए। फिर कह रहा है हाइड्रोक्ली एफिशियंट होना चाहिए। अब मटेरियल कौन कौन सा सीवर में कौन कौन सा मटेरियल लगता है वो बात पूछ रहा है। एक तो पहले होते हैं एस्बेस्टस सीमेंट सीवर होते हैं, दूसरे एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया अच्छे से देख लेना। फिर कह रहा है प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट सीवर, उसके बाद में कौन से हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। फिर है बेट्रीफाइड क्ले और स्टोन बियर सीवर, एडवांटेज दिया है, फिर क्या है इसका डिसएडवांटेज दिया है। फिर ब्रिक सीवर कौन कौन से होते हैं, कास्ट आयरन सीवर क्या है, स्टील पाइप्स क्या हैं, फिर उसके बाद में डक्टाइल आयरन पाइप क्या होता है, प्लास्टिक सीवर पीवीसी पाइप क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन एचडीपीई पाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद में दिया है ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक पाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद दिया है लेड सीवर क्या होते हैं, सेप्स ऑफ सीवर पाइप का कौन कौन से शेप में होते हैं, ये सारे दिए हुए हैं। सेप ऑफ सीवर दिया है,
तो आप अच्छे से एक बार अगर सारे लेक्चर्स को देख लोगे, बेस्ट वाटर में तो फंसोगे नहीं, पक्का है। लिक्विड बेस्ट के सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए लेक्चर देखना, हर लेक्चर से नोट्स बनाना। A4 साइज का पूरा नोट्स तो बन नहीं जाएगा, हर लेक्चर से आपको 5-6 लाइन मुश्किल से मिलेगी, तो उसी 5-6 लाइन को नोट करते चलिएगा, जिससे कि अच्छे से लेक्चर के साथ साथ में आपका काम भी होता रहे। तो ये हो गया हमारा लेक्चर, बेस्ट वाटर पे है, पाइप्स, टाइप्स ऑफ पाइप्स पे है, और ये लेक्चर नंबर हमारा इसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर लिक्विड वेस्ट के हिसाब से देखा जाए, चौथा लेक्चर है। तो अच्छे से देख लेना, और थोड़ा बहुत हो सकता है मैंने और अच्छे से ना बता पाया हो तो सो सॉरी, और अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, और फिर उसके बाद में इसका PDF भी दे देंगे, अच्छे से पढ़ लेना फिर।